एमपी न्यूज लाइव पर गौरव व्यास की इस वक्त की बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हैं। जी हाँ, आपको बताएं, अपना स्वीट्स के अनार के जूस में बदबू और आइसक्रीम में खराबी को लेकर खाद्य विभाग ने सैंपल लिए। भाजपा नेताओं ने की थी शिकायत। देवास में आज शनिवार को अपना स्वीट्स पर भाजपा नेता और पार्षद गए। इन्होंने वहां पर अनार जूस पिया जिसमें बदबू आ रही थी, वहीं आइसक्रीम में भी खराबी थी। इसको लेकर उन्होंने खाद्य विभाग को इसकी सूचना दी। खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अनार जूस और आइसक्रीम के सैंपल लिए। वहीं भाजपा नेताओं ने किचन में भी जाकर देखा, जहां पर उन्होंने बताया कि यहां भी काफी गंदगी पसरी हुई है। आपको बता दें कि अपना स्वीट्स पर कई बार ऐसी शिकायतें मिली है, जिसे लेकर खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल लिए है। स्वीट्स पर पहुंचे आप, यहाँ पे अपना स्विच पे जूस और आइसक्रीम की शिकायत हुई थी। हमारे द्वारा आज आइसक्रीम और अनार जूस की जांच के लिए पहुंचे हैं और पूरे किचन का भी इंस्पेक्शन किया गया है। इसमें हमें अनार का जूस और बटर स्पॉच आइसक्रीम का सैंपल लेके जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। सर, पहले भी कई बार इसके मतलब यहाँ से आपने सैंपल लिए थे, क्या किस पदार्थ के रिपोर्ट आई? रेगुलर हमारी चलते रहते हैं और हम लोगों ने सैंपल भी पहले भी लिए हैं और सैंपल से अगर पास हो जाते हैं तो कार्रवाई। सर, यहाँ पे इतना बड़ा प्रतिष्ठान है, इस प्रकार की जो अनियमितता यहाँ सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी? हम लोग इनको अगर पाई गई है तो इसका हम लोग इम्प्रूवमेंट नोटिस देंगे। सर, किचन में गंदगी पाई गई है आपके सामने, आपने निरीक्षण किया है, उसके लिए इम्प्रूवमेंट नोटिस देंगे। सर, यहाँ पर ग्राहकों के साथ में अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जा रहा है, ऐसे ग्राहकों का कहना है? तो ये व्यवहार तो अच्छा करना चाहिए। हम लोग फिर भी हम लोग सैंपल लेके जांच में तो भेज रहे हैं। अभी किन किन चीज़ों के सैंपल आपके द्वारा लिए? हम अनार के जूस और बटर स्कॉच आइसक्रीम जिसकी शिकायतकर्ताओं द्वारा उसका सैंपल लेके भोपाल जांच में भेजे। सर, देखा जा रहा है शहर में लगातार कई स्थानों पर दूषित भोजन जैसी चीज़ें सामने आ रही है, ऐसे में लोगों की जान से खिलवाड़ ये कर रहे हैं, हमारे जगह फूड पॉइजनिंग और भयंकर बीमारियों का ये सोर्स बन रहा है। हमारे द्वारा रेगुलर निरीक्षण और सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है और ऐसा कुछ नहीं की फूड पॉइजनिंग वाली कार्रवाई, हमारे शिकायतें नहीं, हम लोग लगातार निगरानी रख रहे हैं। सुरेंद्र ठाकुर, खुश भैया, क्या मामला है जो आज आप अपना? हमको साथीगण आज यहाँ पे आइसक्रीम और जूस पीने के लिए आए, अपना स्वीट्स है, देवास का प्रतिष्ठान है, यहाँ के जूस का अनार के जूस का ऑर्डर किया। एक जूस पहले आ गया था, बाकी में टाइम लगा था। प्रवीण जी वर्मा हमारे पार्षद प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अनार का जब जूस पिया तो जूस में भयंकर बदबू आ रही थी, तो इन्होंने जूस को आधा छोड़ दिया। आधा छोड़ने में सहज रूप से वेटर आया और उसको उठा के ले गया। आइसक्रीम जब हमने मंगाई तो बटर स्कॉच आइसक्रीम मंगाई तो उस आइसक्रीम में ऐसे झाग बन रहे थे और कस्टर्ड पाउडर पूरा दिख रहा था, तो हम सब लोगों ने आइसक्रीम चक चक के छोड़ दी। उस आइसक्रीम की हम खाद्य अधिकारी श्री ठाकुर साहब को शिकायत की है, उन्होंने सैंपलिंग भी ली है। मेरा निवेदन है कि एक बड़ा प्रतिष्ठान अपना स्वीट्स और इस तरह के आम जब उसके बहुत पैसे भी बहुत है, हाई रेट जब ले रहे हैं तो क्वालिटी देना चाहिए। क्या लगता है आपको इस शिकायत से कुछ होगा? पूर्व में भी कई बार अपना स्वीट्स की शिकायत हुई, आज तक रिपोर्टिंग है, सिंपल की जांच तो जाती है। शिकायत से 100% होगा और अब नहीं होगा तो अभी तक नहीं हुआ तो अब फिर होगा। वैसा बार बार हम रोज सैंपल भरवाएंगे अगर अच्छी होगी तो। अनार में भी कुछ ही निकला था यहाँ पर, अनार का जूस बदबू मार रहा है। आपके सामने वो जूस रखा है, आप चाहो तो उसको सैंपल आपको चख सकते हैं। यहाँ के एक भूल था, उसमें मच्छर मिल रहा है, बाल आम का जूस में बाल मिल रहा है। आपने यहाँ का रसोई घर भी चेक करा, वहाँ के आपको दिखा? ठाकुर साहब ने जो खाद्य अधिकारी, उन्होंने रसोई घर चेक किया है। हम सब साथ में थे, हम साथ में मसाला था और उसमें घोल में मच्छर मिल रहे हैं, कीड़े मिल रहे हैं, गंदगी है वहाँ पे, बहुत सारी गंदगी देखने को मिली। मच्छर नहीं था, कीड़ा था। भैया, इतना प्रतिष्ठित नाम है अपना स्वीट्स, इस प्रकार की अनियमितता हम क्या कहेंगे इसको? हमारा हमने उसके बाद मैनेजर को जब इन चीज़ों को लेकर बुलाया तो मैनेजर बदतमीजी कर रहा है। यहाँ पानी उबलाओ पानी मिल रहा है, आप पियेंगे तो गर्म ठंडे पानी की जगह खाना आदमी खा रहा तो उबलाओ पानी उसको मिल रहा है, गर्म पानी ठंडा पानी भी नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। मैनेजर को बोला तो मैनेजर कह रहा है कि तो ऐसा ही चलता है, आपको खाना तो खाओ नहीं मत खाओ, ये तरीका ठीक नहीं है बात करने का। आपका नाम बताइए। शंभू अक्सर।